वेलकम टू माइट चैनल पे आप सबका स्वागत है। मुझे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों से बात से ठीक हूँ और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। आप लोग कैसे हो और कहाँ कहाँ जा रहे हो पूजा करने, कमेंट करके बताइएगा। और अब हम और पूजा दीदी जैसे पिछले साल गए थे मंदिर, वैसे ही इस बार भी जाएंगे। और अभी हमने नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं, घर का भी काम खत्म हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन धोना हो गया और सिलेंडर जैसे खत्म हो गया था रात में, तो सिलेंडर को भरने दे दिए। तो सिलेंडर अभी गए थे रोहित जी तो दे दिए और बाबू को भी नहला दिए। मेरे बेटे यहाँ पे रेडियो के सो रहा, देखिए नला दिए। तो अभी हमने मार्केट के निकल के कोई फल उल लेकर नहीं आए और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया फ्रेंड। तो और देख सकते मेरा हाथ में मेहंदी लगाया इस तरह का, सिंपल ही लगाया फ्रेंड क्योंकि लगाने नहीं आता तो ऐसे ही लगाया। देखिए अब लोग बताइएगा फ्रेंड ऐसे अच्छा लगता है कि डिजाइन वाला, डिजाइन वाला लेकिन अच्छा लगता है ज़्यादा ही, बट डिजाइन बनाने नहीं आता इसलिए फ्रेंड। तो चलिए आप लोग बने रहिए, पूजा दीदी भी ऐसे सेम लगाए, हम भी ऐसे ही लगाए फ्रेंड। तो अभी मार्केट के लिए निकलते हैं, मार्केट नहीं जाए तो फ्रेंड होगा भी नहीं। और अभी तक सोचे नहीं कि क्या पहनेंगे घूमने समय में, और सुबह में उपास किए। अब जब तक पूजा नहीं करना तो हम खाना पीना भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और अभी हम लोग फ्रेश फ्रेश होकर निकल रहे हैं मार्केट की ओर क्योंकि प्रसाद लाना, प्रसाद लाए नहीं अभी तक। मेरा ज्यादा कलर आया है, हम दोनों देखे, हम दोनों एक दूसरा देखे इतना, मतलब एक एक कलर देखे। मेरा जान मेरे को बहुत प्यार करता है। अब यार रोहित जी थोड़ा थोड़ा प्यार करते हैं, रही है पियो का भी मैसेज है ना, पियो दिखाइए। वाओ हो गया ना बेटा लाल। तो चले फ्रेंड निकलते हैं बाजार। अरोई जी इधर है, देखिए कोना में क्या कर रहा पता नहीं, नहाना धोना छोड़ करके यहाँ फोन चला रहे हैं। देखिए इधर नहाना धोना छोड़ करके यहाँ फोन चला रहे, छुप करके चिल्ला रहे बट चिल्ला सुन रहे नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहे, निकलते मार्केट फटाफट। अभी हम घर से निकल गए, अभी रोड में है और चलिए फ्रेंड हम लोग बने रहे मेरे ब्लॉग पे। और हम तो सोच रहे कि आज बारिश वरिश करे नहीं तो फिर आज चौपट हो जाएगा पूरा, बारिश जहाँ किया था। इसलिए आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग पे और भी बहुत सारा सामान भी लेना प्रसाद नारियल ले रहा, अभी यहाँ प्रसाद सब से लेना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ पी रहे हैं। ओ यार क्या लड़की लोग जिंदगी में शॉपिंग है लिखा, इतना शॉपिंग है कभी जिंदगी में शॉपिंग खत्म नहीं हो रहा, इतना शॉपिंग कर रहे हैं। एक बार आए थे प्रसाद ही रखने, दूसरा बार गए मेरे पास स्टॉप नहीं था फोटो तो आप लेने के लिए, स्टॉप नहीं मिला फिर मेरा लाए तो बाबू का एक कपड़ा उठाया, एक पीओ का और एक ना। हम सब मत पूछा, हमको अभी सर चक्कर मार रहा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, उल्टी उल्टी लग रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बहुत चीज़ लग रहा है। अब पूजा करने के बाद सब कुछ होगा फ्रेंड, ऐसा तो होगा। इसलिए अब कुछ लिखा है सब लोग बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग पे। भगवान हमने बाजार से आने के बाद फटाफट रेडी हो गया और मेरा लुक गंगा पानी का लिया आप ही दिए जी आप। देखिए यहाँ पे प्रसाद है और यहाँ पे इधर घी घी की रेडी, हाँ पकड़ ले रहे दीदी का फाइनल लुक दिखे, लेकिन दीदी अभी रेडी नहीं हुए हैं, ऐसे रेडी हुआ अभी क्योंकि पूजा करना है। वो तो ढंग का कपड़ा ही नहीं मेरा, कोई सा भी ढंग नहीं, तो अभी ऐसे निकलते फ्रेंड क्या करें। और मैं बहन यहाँ पे जो इसको ही सो गई थी डांस सुन करके, फटाफट। तो हम लोग घर से निकल गए हैं और आ गए मंदिर का जगह में, ये स्कूटी में हम रोहित जी और मैं ननंद आए। ये रोहित जी ने चलाने नहीं जानते, ऐसे गिरा ऐसे चला रहे क्योंकि जैसे लग रहा था गिरा पड़ा, देख रहे कितने गिरा है। और पूजा लोग दीदी लोग इसमें आए बाइक में, पूजा की देख सकते हैं मनीषा बना ली ऐसा करके वीडियो अच्छा बाबू को भेज। तो अभी जो है यहाँ पे भगवान जी का यहाँ है, अभी पूजा करेंगे और फिर कैसा होता बताइए ऊपर भी सेम, नीचे भी ब्लैक ब्लैक सेम, दोनों सेम पहना हुआ है। बहुत क्यूट जोड़ी लग रहा है।
ब्यूटीफुल किसी के नजर ना लगे महादेव और पार्वती माँ की चलिए ये मंदिर है इधर दिखाई देते हैं भगवान जी है इसके अंदर में तभी ये भगवान जी के यहाँ जाएंगे पूजा करने तभी जीजा गए लाने के लिए ना रुको मेरा जीजा का भी लुक तो देख लेंगे हाँ दीदी जीजा का भी लुक दिखाते हैं आप लोगों को ये मेरी बहन है जी रो रो के सो गई थी आई भी नहीं मेकअप करने अभी 100 रुपये मांग रही है क्या करने टू फैमिली तभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और पैर हाथ धो लिए क्योंकि यहाँ पर चपकल था तो ये चपकल से अपने पैर हाथ धो करके उसके बाद पानी हमने लोटा में लिए दूध डाले हैं और इसमें मधु और फिर गंगा जल भी ऐड करना तब तो फ्रेंड सूप हो गया है कि नहीं तभी मैं जो है सीढ़ी को पहले दर्शन कर प्रणाम कर रही हूँ और फिर मैं ननंद को बोली कि चलो अंदर साथ ही साथ में मेरा ब्लॉग शूट कर देना बोल के और वही जी मैं साथ में घंटी बजाए फ्रेंड ये वाला मोमेंट तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड क्योंकि इतना मतलब 4 साल कब भी दिया पता ही नहीं चला फ्रेंड समझ रहे ना अभी इसमें देखते थे दूध ले लिया और यहाँ पर मैं प्रभु जी दिख रहे हैं आपको शिव जी और दीदी क्या खोज रहे थे पता नहीं और मैं प्रसाद हम लोग शिव जी का भूले गए थे तो दीदी वही बोलते मैं रोहित जी को दिखा रही थी कि रोहित की वजह से भूल गया बोल करके बट ऐसा कुछ बात नहीं फ्रेंड अभी चल लिया गलती सलती माफ कर दिया महादेव और यहाँ पर रोहित जी भी बैठ गए पूजा दीदी फिर बस मेरे बेटा को लेकर नहीं गए थे फ्रेंड मेरे बेटा का बिना अधूरा लग रहा था मेरे बेटा को अगर लेकर जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड मेरा बेटा भी इतना छोटा है ना फ्रेंड अगर ज़्यादा मंदिर में भीड़ भाड़ रहता तो फ्रेंड फिर बच्चा इतना छोटा है उसको संभालना भी दिक्कत होता तो मैं पीयू को जीजा को दे दी पकड़ने के लिए और रोहित जी मैं जो लोटा उठा ली पूजा दीदी को देख रही हूँ पूजा दीदी पूजा ख़त्म करेगी तो फिर मैं पूजा करूँगी बोल के तो पूजा दीदी का ख़त्म होगा तभी मैं रोहित जी दूध को डाल रही हूँ भगवान जी के ऊपर में और भगवान जी का मंत्र को भी उच्चारण कर रही थी मैं तो चलिए डालते हैं भगवान जी को पानी उसका बाद जो है और भी भगवान और सबसे भी आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा क्लियर तो ब्लॉग में बने रहिए तो पूजा दीदी अभी क्या क्या कर रही हो देख रही हूँ उसके बाद फिर चंदन एक ही डब्बा था तो चंदन लेना लेनी लुटा लुटी और पी यू का सबसे ज़्यादा हंसी ये आ रहा था चंदन डब्बा को पकड़ ले बोलते हम भी लगाएंगे गाय को बोले तो दीदी बोलते गाय नहीं है वो नंदी जी है बोले तो फिर बोलते अच्छे नंदी जी को हम भी लगाए फिर लगाई यार फिर अपने भी टीका लगा ली तो अभी हम फूल वूल सब पूजा दीदी भी चढ़ा रही तो अभी हम भी चढ़ाएंगे रोहित जी भी अभी फर्स्ट टाइम पूजा कर मतलब 5 साल होने जा रही है इसको मिला करके 5 साल से रोहित जी पूजा कर रहे बना हुआ तो पूजा ही नहीं करते जल्दी वो सिर्फ एक ही जगह जाते पूजा करने वो भी नया साल में जाते हैं वो भी बहुत दूर जंगल के अंदर जाते पूजा करने तो अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे पूजा करना और हम तो पूजा करते रहते अभी ये पूजा पार हुआ अभी और एक पूजा आएगा शिवरात्रि का बात आ रहा है एक पूजा आता है अप्रैल में तो वो वाला भी पूजा करना उसमें भी आप लोग बने रही है फ्रेंड भोजन लाएगा वाला भी पूजा का ब्लॉग तो अभी सब फूल धतोरा वतरा होता है जो और क्या क्या फूल बोलते नहीं पता नाम भी तो अभी फल वूल सब चढ़ाने का पारी है तो फूल फल वूल आ रहा एक चीज़ तो मेन चीज़ ये भी भूल गए थे कि जो चना का झाड़ा होता वो चना नहीं ले गए थे उसको भी चढ़ाया जाता वही वाला पूजा दीदी भुला गए थे घर में तो अब रिटर्न कौन जाता फ्रेंड इतना दूर मानते स्कूटी में थे फ्रेंड बट इतना दूर जाओ आओ नहीं होता ना फ्रेंड पेट्रोल भी ज़्यादा खर्चा होता रोहित जी अभी मेरे को धागा तोड़ तोड़ के दे रहे और वाला धागा को हम लोग शिव जी के ऊपर में जितना भगवान सब भगवान के ऊपर में धागा ऐड कर करके चढ़ाएंगे और पूजा दीदी लोग यहाँ पर कितना अच्छे से पूजा कर रहे हैं पूजा दीदी लोग देख रहे थे फ्रेंड हमको मेरे बेटा का याद आ रहा कि मेरे बेटा कहाँ से रहता तो उसको भी पूजा करते कितना अच्छा लगता ना फ्रेंड फैमिली बनते बट वो नहीं थे तो मैं ननंद और मेरे बहन बाद में पूजा करेंगे बोल रही थी तो इसलिए हम बोला ठीक है तो हम लोग पहले पूजा करने दो फिर तुमने पूजा कर लेना बोले तभी अगरबत्ती हम दोनों जला रहे हैं और उसके बाद फिर पूजा करेंगे तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड कि हम लोग 5-6 जन कैसे लग रहा है अभी फुल वीडियो नहीं आया फ्रेंड फुल वीडियो भी आएगा आप लोग देखिएगा ठीक है उसमें तो बहुत हार्ड हार्ड दिखेगा मतलब यानी कि भूत वूत प्रेत व्रत ये डांस वंस हो रहा था मतलब ऐसे टाइम आदमी नहीं दिखता है और पूजा पाठ में कितना आदमी दिखता है जैसे लगता ही नहीं कि मतलब यहाँ का आदमी सब लोगों का पूजा पाठ हो गया शिव जी का दर्शन आप लोग जैसे कि कर लिए तभी माता पार्वती का भी तो दर्शन कराना आपको तो माता पार्वती के अभी चलिए मेरे साथ में तो रोहित जी को अभी मेरा ब्लॉग शूट कर दे रहे हैं तभी हम जा रहे हैं आप फ्रेंड बताइए कि मेरा कपड़ा कैसे लग रहा है ठीक है फ्रेंड मैं ये कपड़ा ली हूँ और ब्लैक लेगीज का साथ अच्छा लग रहा है कि व्हाइट लेगीज या प्लाजो का साथ अच्छा लगे ये भी बताइए कमेंट करके तो माता पार्वती के लिए घंटी बजा रही हूँ और रोहित जी को बोरी के चलिए अंदर लेके कैमरा को ताकि माँ पार्वती का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तो रोहित जी भी घंटी बजा के ब्लॉग शूट की करना स्मार्ट से वाह
नाइस, ऐसे आदमी तो चाहिए है ना फ्रेंड। तो अभी हम अंदर जा रहे थे, उनको भी बोलते चले अंदर बोल करके। तो फ्रेंड अभी हम लोग अंदर जाए और उसके बाद मैंने नंद और हम लोग तीन को भी पानी मतलब भगवान जी को डाल रहे दूध। तो अभी मेरा जो है पाँव पर्वती पूरा नहा धुला के साफ हो चुकी है, उनको फूल वूल सब हटा कर साफ कर दिया पंडित जी। तो इसलिए फ्रेंड हम पूजा नहीं फूल वूल चढ़ा पाए। तो पूजा दीदी यहाँ से अभी जो है दूध ले रही है ताकि इसको पी कर हम लोग अपना उपवास का तोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे रोनी को उसका ब्लॉक सेट कर दे रहा था, तो आंटी मेरे से लोटा ली है पानी चढ़ाने के लिए। तो हम लोग ठीक है दे दीजिएगा रिटर्न, चढ़ा लीजिए पहले पानी। यहाँ पर बजरंगबली को साफ कर रहे थे और यहाँ पर माता पार्वती का भी स्टार्ट कर रहे शादी का सामान सब, मतलब शादी उदी जो करते हैं। तो अभी माँ पार्वती भी कितनी सुंदर दिख रही है फ्रेंड। और यहाँ पर इसके अंदर माँ पार्वती का एक मूर्ति है, बहुत सुंदर खूबसूरत लगता है, बट वाला मूर्ति अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फोटो है देख सकते। और यहाँ पर आदमी लोग हैं जो स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर रोहित जी मेरा मांग भर दे रहे फ्रेंड, क्योंकि मेरा शिव जी तो रोहित जी है ना फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं फ्रेंड, और ऐसे हम लोग का हमेशा साथ जन्म ऐसे निभाए हम लोग दोनों एक साथ में। और लड़ाई भी झगड़े जो भी हो फ्रेंड, हम एक दूसरे ऐसे ही रहे फ्रेंड प्यार से। तो फ्रेंड बताइएगा कैसे लगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, और यहाँ पर मैं बहन का ब्लॉग शूट करती हूँ, पता नहीं रोनी क्या देख सकते हैं। मेरा ब्लॉग आ गया है, मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ढेर सारे प्यार दीजिए फ्रेंड। और नेक्स्ट ब्लॉग का भी इंतज़ार कीजिए, अभी ब्लॉग नंबर 1 डाल रहे हैं पार्ट, और दूसरा पार्ट भी आना बाकी है 2 पार्ट वाला। तो उसमें पूरा आपको क्लियर दिखेगा, जितना भूत प्रेत थे सब दिखेगा। अरे जी इधर मैंने बैठी ना, ये भूत को देख के बेहोश हो गई थी, इसका भी दिखेगा ठीक है। हाँ, तो दिखे ही चाहिए किंतु धड़ाम ने पड़ी जाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं, बाय फ्रेंड। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे कमेंट कर बताइए, बाय।